बिहार के गया का एक प्रेमी मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक प्रेमिका से पूछता है कि मेरी बाबू ने खाना खाया, तो मुजफ्फरपुर की प्रेमिका कहती है कि मेरा बाबू जब तक नहीं आएगा तब तक हम कैसे खाना खा सकते हैं। फिर क्या था, गया वाले जो बाबू साहब हैं अपने बाबू को खाना खिलाने के लिए आओ न देखते हैं ताओ और सीधे निकल पड़ते हैं मुजफ्फरपुर की ओर। और जब मुजफ्फरपुर में बाबू और बबुनी दोनों मिलते हैं तो उनके परिजन उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद होता है भारी बवाल। पूरा मामला क्या है चलिए हम विस्तार से बताते हैं। गया से 194 किलोमीटर दूर उसने प्रेमी से कहा कि जब तक मिलने नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। थोड़ी देर बाद प्रेमी ने फोन करके पूछा कि मेरे बाबू ने खाना खा लिया। लड़की ने फिर कहा तुम्हें आना होगा तब हम खाना खाएंगे। इसके बाद लड़का क्या देखता है आओ ना ताओ देखता है ताओ और गया से निकल पड़ता है मुजफ्फरपुर की ओर। मंगलवार को उसने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन बुलाया जहां बातचीत के बाद दोनों अश्लील हरकत करने लगे। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और लड़का लड़की दोनों जो है वो 17 साल के हैं। पुलिस पूछताछ में दोनों ने बताया कि 2 महीने पहले इंस्टाग्राम पर दोनों की मुलाकात हुई थी। पहले लड़के ने फॉलो किया फिर लड़की भी करने लगी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। कुछ दिन बाद दोनों ने एक दूसरे को नंबर दिया। फिर क्या था, बात इंस्टाग्राम से शुरू होकर कॉल पर चली गई। कॉल पर दोनों की बातचीत होने लगी और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। बात करते करते दोस्ती प्यार में बदली। छात्रा इंटर में पढ़ती है जबकि नाबालिग गया में ही बीए पार्ट 1 का छात्र है। छात्रा मिलने के लिए बुलाती थी लेकिन वह नहीं जाता था। इसी दौरान छात्रा उससे नाराज हो गई, कॉल पर बोली कि खाना नहीं खाएंगे। इस वजह से मुजफ्फरपुर पहुंच गया। मामले में रेल थानेदार दिनेश साहू ने बताया कि संदिग्ध अवस्था में दोनों को पकड़ा गया है। पुलिस पूछताछ के बाद दोनों के परिजनों के हवाले कर दिया गया। प्रेमी ने पुलिस को बताया कि प्रेमिका नाराज थी, वो खाना नहीं खा रही थी। ऐसे में वो खाना क्यों नहीं खा रही थी इस बात को जानने के लिए प्रेमी मुजफ्फरपुर पहुंच गया। जंक्शन परिसर में दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे। प्रेमिका अपनी प्रेमी जो होता है अपनी प्रेमिका मनाने की हर कोशिश कर रहा था। मनाने के दौरान नाबालिग अश्लील हरकत करने लगा। इसी बीच रेल पुलिस की नज़र दोनों पर पड़ गई। दोनों संदिग्ध अवस्था में बैठे थे, वहीं पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे लेकिन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों से पूछताछ की गई, संतोषजनक जवाब नहीं देने पर दोनों को थाने लाया गया। और फिर क्या था, थाने लाने जाने के बाद उन दोनों से बातचीत होती है, पूछताछ होता है। तो प्रेमी जो होते हैं यानी कि जो बाबू होते हैं अपनी बबुनी के लिए जो पहुँचे होते हैं उन्होंने सारा वाक्य जो है बताया पुलिस वाले को। जब पुलिस वाले इस बात की जानकारी लेते हैं तो फिर दोनों के परिजनों को बुलाकर एक दूसरे को सौंप दिया जाता है। तो इस तरीके से आजकल इंस्टाग्राम पर लोग प्यार कर रहे हैं, मैसेंजर पर प्यार का इजहार कर रहे हैं, फेसबुक पर एक दूसरे की फ़ोटो तस्वीर शेयर कर रहे हैं। यानी कि प्यार का बुखार जो है सोशल मीडिया से शुरू होकर के वहीं स्टेशन परिसर और फिर उस अश्लील हरकत पर जाकर आजकल उतर जा रही है। तो बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, बाबू ने खाना खिलाने मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं लेकिन पुलिस जो है उनको टांग लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।